आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में हेलो गाइस वेलकम है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड आज मैं आया हूँ अपने खेतों में, अभी खेत में गया नहीं हूँ, अभी ये जो पुल का निर्माण हो रहा है अभी पुल के ऊपर ही हूँ। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये आप लोग बता सकते हैं देख करके जो गांव से बिलोंग करते होंगे, जो गांव वाले होंगे उन्हें मालूम होगा ये किस चीज़ का खेती है। अभी यहाँ जो फसल लगा हुआ है किस चीज़ का फसल लगा हुआ है, तो अभी थोड़ा दिखाते हैं आप लोग को करीब से। ये रहा, ये है धान की खेती, ये है, और उधर थोड़ा उधर जाने के बाद हमारा ये जो भी है हमारा भी खेत है, तब बट वो हमारा थोड़ा दूरी पे पड़ेगा। ये हम लोग अभी पुल के ऊपर आए थे घूमने के लिए, तो मैं सोचा आप लोगों से थोड़ा कुछ वीडियो शेयर कर दूं, ताकि जो बाहर रहते होंगे अपने गांव से बाहर या विदेशों में, ताकि उन्हें अपने गांव की याद आ जाए। ये है हमारे गांव की खेती, इधर है मौला नगर इधर, और हमारे इधर है ये चिमनी है, चिमनी के उधर एक है दरियापुर वो गांव है, और इधर है हमारा चंदौली गांव ये ब्रिज के बाद। तो अभी ये पुल का जो निर्माण है अभी नया हो रहा है, अभी करीब ये तीन साल का टेंडर था, अभी 5 साल हो गया, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी आधा अधूरा इसमें ही फंसा हुआ है। तो ये हमारे गांव का व्यू कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रा कमेंट्स करके बताना, और 100% कह रहा हूँ जो बाहर रहते होंगे उन्हें तो अपने गांव की याद आ ही जाएगी हमारा ये वीडियो देखने के बाद। ये देख सकते हैं कितना हरा भरा है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा मौसम है अभी, वेदर जो है अभी ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, बहुत ही बेहतरीन मौसम है अभी देख सकते हैं। और ये इधर है हमारे यूट्यूबर हमारे गांव के, ये भी है ब्लॉगर है, ये है रेहान सिद्दीकी ब्लॉग के नाम से इनका चैनल, आप लोग को मालूम ही होगा हमारे चैनल पे हमेशा आते रहते हैं। हेलो एवरीवन, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ख़ास तौर पे अगर आप बेलसन सीतामढ़ी से देख रहे हो तो और सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ में हमारे बाबो टेक्नो ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में बने रहिए, अब ये बहुत कुछ आपको रुक रुक कराने वाला है। तो ये देखो ये कितने अच्छे से बोल रहे हैं, जब ये ऐसे बोल रहे हैं तो समझ सकते हैं इनका वीडियो कैसा होगा, इतना अच्छा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा ये बोल रहे हैं देख सकते हैं। इनका चैनल का नाम है रेहान सिद्दीक के ब्लॉग, तो आप लोग इनके चैनल पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लग रहा है हमारे गांव का व्यू, ये हमारे गांव का जो भी खेती है, ये धान का फसल है अभी लगा हुआ, बहुत ही हमें तो बहुत ही मस्त लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। ये 2-4 दिनों के बाद ये यानी हफ्ता दिन के बाद ये सब धान कटना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।